नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की ओर से लगातार पिछले कुछ वर्षों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कुछ कार्य किए जा रहे हैं और ये निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट कदम भी हैं। रिसेंटली एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ओर से स्मॉल कंपनीज की जो एग्जिस्टिंग लिमिट हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे ऐसी और कंपनियां भी स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में आ सकती हैं जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। तो मेरे इस डिस्कशन से आपके समक्ष ये क्वेश्चन आया होगा कि अनूप जी, ये स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, इन स्मॉल कंपनीज को ऐसे क्या विशेष बेनिफिट हैं जिसके लिए वो स्मॉल कंपनीज रहना पसंद करती हूँ या स्मॉल कंपनीज के रूप में ऑपरेट करने में उन्हें सुविधा महसूस होती हो, और साथ ही साथ दोस्तों स्मॉल कंपनीज के ट्रीटमेंट की ये रिवाइज मॉनेटरी लिमिट्स क्या हैं, ये सारी बातें लेकर के मैं इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके समक्ष ये बात रखता हूं कि व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी एंड स्मॉल कंपनी की परिभाषा सर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई, जिसमें कहा गया कि स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज। ये एग्जिस्टिंग लिमिट नहीं है, ये चेंज हो चुकी है, लेकिन स्मॉल कंपनी की परिभाषा आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही स्मॉल कंपनी होगी और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कुछ पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है और उसके साथ साथ टर्नओवर की भी लिमिट है। तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की इन दोनों लिमिट्स के अंदर है तो सर वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, अन्यथा वो नॉन स्मॉल कंपनी या बिग कंपनी कहलाएगी। अब दोस्तों, कुछ कंपनियां जो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती वो कौन सी हैं? अ होल्डिंग कंपनी, यानी वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी कहलाए। अ सब्सिडरी कंपनी, वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाए। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी ऐसी कंपनियां जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एंड अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ऐसी कंपनियां जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हो वो भी स्मॉल कंपनी की इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे। अब बात करता हूं दोस्तों आपके साथ रीसेंट रिलैक्सेशन इन द क्राइटेरिया। ये चीज आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा सर कि रीसेंट जो नोटिफिकेशन आया है एमसीए की ओर से वो आया है 15 सितंबर 2022 को, और इससे पहले लास्ट टाइम 1 अप्रैल 2021 से भी लिमिट एनहांस हुई थी। पहले आपके सामने अभी मैंने डेफिनेशन में पढ़ा कि हाँ साहब 50 लाख रुपए की तो कैपिटल की लिमिट थी और 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट थी। लास्ट 1 अप्रैल 2021 से जो लिमिट गवर्नमेंट ने करी थी 50 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया था और टर्नओवर की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया था। अब गवर्नमेंट ने अब क्या चेंजेस किए जो 15 सितंबर 2022 से प्रभावी हैं? एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या था वो आपके सामने रखूंगा। ऑफ स्मॉल कंपनी बीइंग अ कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल अप टू ₹2 करोड़ एंड टर्नओवर एज मच एज ₹20 करोड़। द एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 15 सितंबर 2022 रिवाइज द रिस्पेक्टिव पेड अप कैपिटल अप टू ₹4 करोड़ एंड टर्नओवर एज मच एज ₹40 करोड़। तो क्लियर शब्दों में अगर आपके सामने बात रखूं तो ये कहूंगा सर कि 15 सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ रुपए तक हो और जिसका रिस्पेक्टिव टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक हो। तो इसके बियॉन्ड तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए तक की है और आपका टर्नओवर दोनों चीजें एक साथ पूरी होनी चाहिए, 40 करोड़ से अधिक नहीं है, तो आप एक स्मॉल कंपनी का बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। अब नेचुरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अनूप जी, ऐसे क्या बेनिफिट हैं जो एक स्मॉल कंपनी को मिलते हैं? तो वो भी क्यूरियोसिटी आपकी शांत करने की कोशिश करता हूं आगे के डिस्कशन से। तो अब दोस्तों आपके समक्ष बात रखता हूं व्हाट आर द बेनिफिट्स टू अ स्मॉल कंपनी, एक स्मॉल कंपनी को बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर वन, होल्डिंग ऑफ ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। एक कंपनी को दोस्तों जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है 4 बोर्ड मीटिंग साल में करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की।
यदि आप स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में आते हैं, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप केवल दो बोर्ड मीटिंग जिनमें कम से कम 90 दिन का गैप हो वो करके भी अपना काम चलाएंगे चला सकते हैं। नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनियों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है, लेकिन यदि आप स्मॉल कंपनी हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग एन एब्राइज्ड एनुअल रिटर्न। के एक डिटेल्ड एनुअल रिटर्न कंपनीज को बनानी होती है जो वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यदि आप स्मॉल कंपनी है तो आप एक संक्षिप्त, अगर मैं हिंदी में सही शब्द यूज कर रहा हूं तो, एब्राइज एनुअल रिपोर्ट बना के भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देना है, आपको डिटेल्ड एनेक्सचर्स लगाने की जनरली आवश्यकता स्मॉल कंपनी के केस में नहीं है। मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट रिक्वायर्ड। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सर, हर 5 साल बाद ऑडिटर चेंज करने की रिक्वायरमेंट कंपनी में है, लेकिन यदि आप एक स्मॉल कंपनी है तो आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सर, एन ऑडिटर ऑफ अ स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि जनरली ऑडिटर को सर अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है कि क्या कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सफिशिएंट हैं क्या। लेकिन यदि आप स्मॉल कंपनी है तो आपके केस में ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी कैन बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपकी एनुअल रिपोर्ट को केवल कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकते हैं या केवल एक डायरेक्टर जो कंपनी के हो वो भी साइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मेरी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग में जो कंपनी लॉ में नॉन कंप्लायंसेस की वजह से पेनल्टीज लगती हैं, फीस लगती हैं, अगर आप स्मॉल कंपनी है तो जनरली वो फीस की अमाउंट बहुत सी जगह पर, बहुत से सेक्शंस में आधी रहती है। तो ये स्मॉल कंपनी से संबंधित कुछ बेनिफिट्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। तो अंत में दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने मोटो की श्रृंखला में ये एक और प्रयास किया गया है जिसका बेनिफिट्स और कंपनीज को मिलेगा जो स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में आए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।